कब तक चलेगा इस तरीके से ये किसान आंदोलन, कब तक जनता सड़क पर रहेगी, कब तक किसान सड़क पर रहेगा? ऐसा है, पहले दिन से ही, जिस दिन से हम यहाँ आ गए हैं उसी दिन से मोदी जी से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि MSP पे गारंटी दे दो और तीनों बिल वापस ले लो। तो एकाएक पता नहीं उन्हें उस रात को क्या सपना आ गया, तो एक बात तो उन्होंने हमारी सुन ली है, तो हम तो गुजारिश यही करेंगे आपकी भी थोड़ी बहुत सुन लेते हों कि एक बात और रहेगी उसे भी मान लो, भैया हमें काय को यहाँ गिर रखा है, जो है सड़क पर पड़े रहने का हमें भी शौक नहीं है, खुशी खुशी हम भी अपने घर को चले जाएं। वो तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं किसान मेरे भाई हैं, घर जाएं, आराम से रहें, बच्चों में रहें, खेतों में रहें, लेकिन किसान को क्या हो गया, पेच कहाँ फंस रहा है अभी? भैया वो भी हमारे PM हैं, हम भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि दादा तुम भी हमारी सुन लो, हम अपने घर को जाएं, बच्चों में रहें, खेत में हल चलाएं, हम वहीं अच्छे लगते हैं। ये खुले में बैठे हैं हम, ये देख रहे हो जो तंबू से तार रखे हैं, हम भी घर परिवार वाले हैं, ऐसे ना है कि कोई उठाऊ चूल्हे वाले हों जैसे कि वो हैं, जो है नहीं कहना चाहिए। तो हम भी पुरजोर तरीके से अब आपके माध्यम से यही कहेंगे कि थोड़ी सी बात रह गई है मोदी जी, इसे क्यों दिल पे ले रहे हो, अब हमें भी घर जाने दो, हमारी एक छोटी सी मांग रहेगी उसे भी मान लो। इन्होंने कहा सर छोटी सी मांग रह गई, एक साल तो पूरा हो चुका है, लेकिन पेच कहाँ, समझ नहीं आ रहा कहाँ पेच फंसा हुआ। आम जनता जो निकलने वाली है, मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ कि आम पब्लिक को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, आम जनता ये बहुत दिक्कतों का झेल रही है क्योंकि एक साल पूरा हो चुका, बहुत लंबा समय, कोई भी आंदोलन इतना लंबा समय तो नहीं चल पाता, लेकिन अब अगर मैं जानूं तो किसान अपने घरों को वापसी कब जाएगा और किस तरीके से ये जो टेंट लगे हुए हैं, गड़े हुए हैं, ये यहाँ से हटेंगे? अपने कोई भी आंदोलन इतने लंबे समय तक नहीं चलता, आंदोलनों के लंबे चलने की परिणति हमेशा क्रांति के रूप में होती है। जो भी आंदोलन इतने लंबे समय तक चलते रहे हैं वो सत्ता परिवर्तन, आमतौर पर सरकार को थोड़ी सी सद्बुद्धि अभी आई है, थोड़ी सी सरकार के तेवर थोड़े से शिथिल हुए हैं अभी, तो उन्होंने कम से कम एक थोड़ा संकेत यह दिया है कि आंदोलन इस तीन बिल को वापस ले लेंगे। इन बिलों को वापस ले लेना लगभग वैसा ही है जैसे कि किसी आदमी को मैंने पानी में धक्का दे दिया, किसी ने उसको पानी में धक्का दे दिया और फिर लपक के दौड़ के गए और उसको डूबने से बचा लिया और फिर चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखो मैंने डूबने से बचा लिया, डूबने से। हम तो वही, इन्होंने ही पहले कानून लेके आए थे इस तरह के कानून, उन्होंने काम तो अच्छे के लिए लेकर आए थे लेकिन किसान को समझा नहीं पाए तो हम वापस ले रहे हैं जी। बिल्कुल, ये बात वैसे ही है कि जैसे आदमी को धक्का दिया उसको तैरना सिखा रहा था मैं, तो फिर जब डूबने लग गया आदमी मना कर रहा है भैया तैरना नहीं सीखना है मुझे, मुझे ये कानून नहीं चाहिए, मुझे ये उपहार आपका नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं, हम तो गिफ्ट देके मानेंगे तुम्हें। फिर अब समझ में आ गया, वही मैं कह रहा, उनके तेवर थोड़े शिथिल हुए हैं, अब उन्हें समझ में आ गया है कि किसान को दबाया नहीं जा सकता। तो अंततः इसके पहले कि इस आंदोलन को और लंबा खींचें, इसकी परिणति किसी क्रांति के रूप में, क्रांति का मतलब है सत्ता परिवर्तन के रूप में हो, उन्हें बड़े आराम से इन कानूनों को वापस लेने के साथ साथ MSP कम से कम कुछ दे के भेजें किसानों को ना, अभी तक कुछ दिया नहीं है, अभी तो केवल डूबने से निकाल लिया उन्होंने, दिया कुछ भी नहीं है अब तक, तो कुछ किसानों को दे के भेजें, MSP पर गारंटी दें। यहाँ इस बीच में जितने लोग यहाँ शहीद हो गए हैं उनके लिए भी थोड़ी संवेदना व्यक्त करें, उनके बारे में भी, उनके परिवारों के बारे में भी कुछ सोचें, और जो इतने कष्ट यहाँ लोगों ने सहे हैं उनकी वजह से यहाँ के आम आदमी, यहाँ का भी लोकल आदमी, वो आदमी भी जो परेशान हुआ है उनके बारे में भी कुछ सोचें, हर एक को कम से कम थोड़ी संवेदना व्यक्त करें और देखें कि उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। MSP पर तो मिनिमम, ये तो मिनिमम छोटी सी डिमांड है, इसको तो पूरा करने के बाद ही आगे कोई बात कर सकते हैं उसके। आखिरी सवाल आपसे, आप युवा हैं, क्या कहेंगे, लगातार एक साल तो हो चुका और बात वही, जिस एक साल पहले जहाँ पर खड़े हुए थे एक साल बाद भी वहीं पे खड़े हुए हैं, घर कब जाएंगे, टेंट कब हटेंगे, रास्ता कब खुलेगा, आम जनता को जो दिक्कत परेशानियाँ हो रही है वो कब खत्म होगी और किसान को जो दिक्कत परेशानी हो रही है पिछले एक साल से, किसान की वो दिक्कतें कब खत्म होंगी? किसान हो या नौजवान हो या ये जनता हो, जिसको दिक्कत देने का सारा श्रेय मोदी जी को जाता है, ना वो बिल लाते ना ये किसान चल के यहाँ आते, और यहाँ इनको सड़कों पर रोकने का क्रेडिट भी मोदी जी को जाता है, कंक्रीट की ईंटें लगा दी, तार लगा दी, नीचे कीले लगा दी, इनको रामलीला मैदान दिया जाता, सहूलियतें दी जाती सरकार की तरफ से, जीरो इनके ऊपर वाटर कैनन यूज़ कर गई इसी सर्दियों में, अब चुनाव नज़दीक है तो मोदी साहब को दिख रहा है कि किसानों का दर्द क्यों, 3-4 राज्य जो हैं इनके हाथ से फिसल रहे हैं, इनकी लोकप्रियता घट चुकी है, लोगों ने इनको बाई इलेक्शन में इनके खिलाफ वोट करके इनको नकार दिया है, अब इनको चुनावी स्टंट है ये और कुछ नहीं है। अगर इनको बिल वापस ही लेने थे तो अनाउंसमेंट करने की क्या ज़रूरत थी, गुरु पर्व का दिन क्यों चुना उन्होंने, उससे पिछले साल भी तो ये गुरु पर्व आया था। सरकार ने ये चुनावों के मद्देनज़र किया है कि चुनाव कैसे भी ना कैसे अपनी झोली, इनके लिए सत्ता ही सब कुछ है, 700 किसान शहादत हो चुकी है,
मोदी जी ने एक सेंटेंस अभी तक नहीं लिखा है ट्वीट पे, मतलब वो इतने हटधर्मी हो गए हैं कि अभी तक वो शहादत को मान भाई बता रहे हैं किसानों को अपना परिवार बता रहे हैं, कह रहे हैं चल जाओ घर खेतों में चले जाओ वापस। उन परिवारों के लिए दो शब्द क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं मोदी जी, क्या ऐसी मतलब वजह फंस रही है जो कि उनके 700 किसानों के लिए संवेदना अभी तक नहीं बाहर निकल के आएगी। अगर उनका परिवार है तो उन्हें तो बहुत पहले उस परिवार को समझ लेना चाहिए था, अब चुनाव है इसलिए वो परिवार है इनका, जितना भी रिश्ता है ना हर किसी से हिंदुस्तान में जिस राज्य में जाते हैं उससे कहीं ना कहीं नाता निकलता है। अभी जेवर गए थे एयरपोर्ट पर, जेवर से भी इनका नाता निकल आएगा कि बचपन में जेवर लेके निकला था मैं, तो इनका कहीं ना कहीं हर चीज़ से कोई ना कोई नाता होता है, लेकिन वो चुनाव से रिलेटेड होता है। चुनाव के अलावा इनका कोई परिवार नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई देश नहीं है, ये वही मोदी जी वही हैं जो कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ बेच चुके हैं। सर आप क्या कहेंगे, ये कह रहे चुनाव है इसलिए मोदी ने वापस ले लिया, लेकिन सरकार बीजेपी वाले तो न्यू कह रहे कि बीजेपी विपक्ष का किस्सा ही खत्म कर दिया जो राजनीति कर रहा है। सर मोदी जी का जो विश्वास है जी, जिस मुद्दों पे इन्होंने चुनाव लड़ा था, मुद्दे तो थे इनके जो वादा करा था, जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया एक भी पूरा नहीं हुआ, तो इतने सर्वोच्च पद पे ऐसे आदमी का चुक्कर यकीन कर ले, ये है मुद्दा, यकीन नहीं है इतना पूरा काम नहीं है। किस तरह यकीन होगा, किस तरह जाओगे घर? यकीन होगा जी, जाएंगे जी भी इस पे कानून बन जाएगा भाई, वो माला वो पक्की मोहर लग जाएगी इस पे कृषि कानून, पक्की मोहर का इंतजार है। हाँ जी, तो देख सकते हैं आप इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, और गाजीपुर बॉर्डर पर आज एक साल पूरे होने का जो एक क्रेडिट दिया जा रहा है किसानों को दिया जा रहा है, आज भारी मात्रा में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इकट्ठा भी हुए हैं, लेकिन किसानों का अभी घर जाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि किसान कह रहा है कि जब तक MSP पर सरकार गारंटी नहीं देगी, तीनों जो कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आकर लाइव कहा है, जब तक उस पर संसद में कोई बात नहीं होगी, पक्की मोहर नहीं लगेगी, तब तक किसान अपने घरों को वापस नहीं जाएगा। हालांकि आम जनता को परेशानी बहुत हो रही है, किसान मान भी रहा है, लेकिन किसान का ये कहना है कि हमारी परेशानी अभी सामने खड़ी हुई है, और हम जब तक घर नहीं जाएंगे, जब तक हमें MSP पर गारंटी नहीं मिलेगी, और इस कृषि कानून को जो मोदी जी कह रहे हैं रद्द करने की, इस पर पक्की मोहर लग के किसानों को नहीं मिल जाएगी। अपने सहयोगी तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा।